विधानसभा के घोसी उपचुनाव में सपा ने मतदाताओं को साधने के लिए खास रणनीति बनाई है। इसके तहत आसपास के जिलों के सजातीय नेताओं को भी अपने अपने वर्ग को साधने की जिम्मेदारी दी जा रही है। साथ ही भाजपा के असंतुष्टों पर भी सपा नेतृत्व की खास नजर है, ताकि मुकाम हासिल करने में उनकी भी मदद ली जा सके। पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान के सपा छोड़ भाजपा में जाने से इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान और सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ही मुख्य लड़ाई में माने जा रहे हैं। सपा इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करके लोकसभा चुनाव से पहले अपनी मजबूती का संदेश देना चाहती है। इसके लिए प्रदेश सपा मुख्यालय से उन सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं को फोन करके पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से जुटने के लिए कहा जा रहा है, जो जनता के बीच सक्रिय है। आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, देवरिया और गोरखपुर जिलों के सपा नेताओं से कहा गया है कि वे घोसी क्षेत्र में जाएं और सजातीय जनों से उनके घरों पर जाकर मिलें। जहां संभव हो वहां छोटी छोटी मोहल्ला बैठकें करके लोगों को समझाएं कि दलितों और पिछड़ों के हित सपा में ही सुरक्षित है। इस लिहाज से सपा ने मुस्लिमों के अलावा राजभर कश्यप, नौनिया चौहान और निषाद समाज के अपने नेताओं को मैदान में उतारा है। सपा सूत्रों का कहना है कि सामान्य जातियों में उन नेताओं की भी मदद ली जा रही है जो कुछ समय पहले तक भाजपा के लिए काम कर रहे थे, लेकिन अब किन्हीं कारणों से उनका सत्ताधारी दल से मोह भंग हो चुका है। सपा के रणनीतिकारों का मानना है कि अल्पसंख्यकों व पिछड़ों के साथ साथ दलितों के भी एक तबके का उसे इस चुनाव में समर्थन मिलेगा। पार्टी के आधार वोट में जितने अधिक सामान्य वर्ग के मतदाता प्लस होंगे उतना ही अधिक फायदा होगा। चुनाव प्रचार के आखिरी सप्ताह में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी घोसी जा सकते हैं। उससे पहले पार्टी के सभी प्रमुख नेता वहां का दौरा कर चुके होंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।